हाई स्टूडेंट्स, किसी भी रीजन जैसे कि सिलेबस कंप्लीशन या फ्यूचर में करियर की टेंशन की वजह से अगर आप पैनिक या स्ट्रेस स्टेट में आ जाते हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो हमारे ब्रेन को कहीं भी फोकस या कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देता। ऐसे में कई बार 2 या 3 दिन भी पढ़ाई के हमारे खराब हो जाते हैं। इस कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करने का फास्टेस्ट तरीका होता है मेडिटेशन, लेकिन इस लो कॉन्सेंट्रेशन स्टेट में मेडिटेशन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको क्विक मेथड बता रहा हूं इस स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। आप अपनी फेवरेट सब्जेक्ट के चैप्टर के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जब आप प्लेन पेपर पे शॉर्ट नोट्स या नोट्स बनाते हैं तो आपकी आईज टेक्स्ट के ऊपर बुक में फोकस करती हैं, और जब आप अपने हाथ से लिखते हैं तो वो सारे इंप्रेशन ब्रेन पे बनना शुरू हो जाते हैं। दिस इज अ फोर्सफुल नैरो मेडिटेटेड स्टेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, और विद इन 1-1.5 आवर अगर आप जबरदस्ती नोट्स बनाते हैं, आप रियलाइज करेंगे स्ट्रेस इज गॉन अवे एंड यू आर इन अ हाईली कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड स्टेट, और आप अपनी पढ़ाई का काफी टाइम सेव कर लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।